अस्सलामुअलैकुम, रेडियो सबका साथ पे आप सुन रहे हैं फन टाइम विद शायन एंड कंपनी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बेसब्री से हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो लिसनर्स, बिल्कुल हम आज फिर आप लोग के साथ हाजिर हुए। जैसे हमने पहले हफ्ते कहा था कि हम ज़रूर अब कोशिश करेंगे कि हमारे शोज़ जो हैं वो हर हफ्ते हुआ करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं शायान रज़ा। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगी शायान की तरह। तो अस्सलामुअलैकुम शायान। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं, मज़े में हैं जी? आया नू वेलकम, खुश आमदीद। और भले चंगे हैं। वैसे मैं सिंधी में कोई बोलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन मैं कहा नहीं यार, फंस जाऊंगा तो खामोशी रहता हूँ। जो जितनी डोमेन है बंदा उतने में रहे, जितना चाहते रहे उतने पाँव फैलाए। तो भाई आप लोग बताइएगा ज़रूर, जैसे कि आप लोग हमारा शो ज़रूर सुनते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ अपने शोज़ पे कि मोर देन 80-70 व्यूज़ आए होते हैं, तो यकीनन 80-70 लोग तो हमें सुन ही रहे होते हैं। तो इसका मतलब है बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोग सिर्फ व्यूज ना दिया करें, हमें कमेंट्स भी दिया करें। कमेंट सेक्शन में जाके बताया करें कि हमारी क्या बात अच्छी लगी, क्या बात बुरी लगी और हमें क्या मजीद अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा हो रहा है हमारे शो में। हमें फीडबैक दिया करें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जी शो बहुत अच्छा है, लाजिम नहीं है कि हर शो हर वक्त ही अच्छा हो। कुछ शो बुरे भी हो सकते हैं। तो हमें हर वक्त इंसान के अंदर ना बेहतरी की गुंजाइश रहती ही रहती है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें सुनते ज़रूर हैं। हमारी जो आवाज़ें हैं ज़ाया नहीं जाती। तो जनाब हमारा सितंबर का ये दूसरा शो है, यकीनन दूसरा शो है। तो बताइएगा ज़रूर कि आपका सितंबर कैसे गुजर रहा है। और इंशाल्लाह अब बहुत जल्द हमारी जो एकेडमीज़ हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो खुलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी आप लोगों को बात कहना चाहूँगा, अपनी तरफ से एक हिदायत देना चाहूँगा कि बेशक हमारे पास से वबा हमारे मुल्क से कम हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। तो प्लीज़ 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 अपने बच्चों को बहुत एहतियात के साथ अपने इनके स्कूलों में भेजिएगा। जहाँ भी वो पढ़ने जाते हैं, चाहे वो कोई इदारा हो, स्कूल हो, एकेडमी हो। तो आपकी मेहरबानी है, आपसे गुजारिश है कि उनको बहुत एहतियात से भेजिएगा। मास्क ज़रूर पहनाइएगा, हाथ उनको ताकीद कीजिएगा कि हर थोड़े देर बाद, हर घंटे में कम से कम एक दफ़ा 20 सेकंड के लिए हाथ ज़रूर धोएं, ठीक है? और दूसरे बच्चों से थोड़ा सा फासला रखें। हम एहतियात करेंगे तो ही हमारी ये मसले जो हैं ख़त्म हो सकेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि मुस्तकिल और मुकम्मल तौर पे हम इस वबा से छुटकारा हासिल कर लें। तो जनाब यही मेरी तरफ से एक तरीके से समझ लें कि आज का पैगाम है। तो अक्सा अब हम अपने आगे रूटीन की तरफ चलते हैं। जी शायान, तो रूटीन की तरफ चलते हैं। तो आज हमें क्या डिस्कस करना था? आपने पहला मैसेज तो अपना बता दिया। अच्छा, अभी ये जो 11 सितंबर गुजरी है, तो हमारे जो है वो कायद-ए-आज़म उनकी बरसी थी। तो उनके बारे में आप क्या शेयर करना चाहेंगे कि वो एक ज़ाहिर हमारे मुल्क के सबसे पहले बानी थे, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले बानी नहीं थे वो, बानी एक ही होता है। उन्होंने ही बानी को, मतलब मुल्क को हमें बनाया, तो बानी एक ही होगा। सबसे पहले बानी नहीं थे, हाँ क्या कहते हैं यार, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे बिल्कुल। और अगर आप सबसे पहले बानी की बात करें तो अगर आप आई थिंक तो शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि जो लियाकत अली खान है वो हमारे सबसे पहले वजीर आजम थे, उस तरह आप कहना चाह रही हैं। तो कायद-ए-आज़म तो वन एंड ओनली कायद-ए-आज़म, कोई और जैसा ना था ना होगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई ऐसा दूसरा कायद-ए-आज़म आ जाए कि अब मजीद हमारे जो मुल्क जिस मुश्किलात का शिकार है उसमें से उसको निकाल सके। तो बिल्कुल जनाब ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो बानी पाकिस्तान है उन्होंने अनथक मेहनत और अजीम कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क दिया है। तो हम उनको हरगिज़ नहीं भुला सकते और भुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कौम अपने बुजुर्गों को भुला देती है फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका नामो निशान मिट जाता है ना किसी को। तो हमें हरगिज़ इनको भुलाना नहीं चाहिए। और हर मौके पर, जैसे कि इनका यौम वफात था और उसके बाद अभी 25 दिसंबर जब आएगी तो उनका यौम विलादत होगा। इसी तरीके से लाजिम नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दिनों पर इनको याद किया जाए। हम किसी भी वक्त इनकी खिदमात को, इनकी कुर्बानियों को याद करके और इनके लिए दुआ कर सकते हैं, इनके लिए मगफिरत की दुआ कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला बस उन पर रहम करे, मेरी तरफ से यही है। हाँ, सिर्फ देखा जाए तो अगर हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से बात करें तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जी कोई, अगर हमारे पास 14 अगस्त आ गई है, 6 सितंबर आ गई है, तो हमारे अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी जागे हमें हर वक्त अपने वतन से प्यार करना चाहिए और उसकी तरक्की में, उसकी सफाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और माशाल्लाह आज भी आपने बहुत अच्छा जो है वो लोगों तक मैसेज पहुंचाया है, जैसे आपने 6 सितंबर को जो है वो लोगों तक एक अच्छा पैगाम पहुंचाया था। तो आज आपने जो है वो हमारे इतनी अच्छी हस्ती हैं, अजीम हस्ती हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बारे में भी आपने लोगों को काफ़ी आगाही जो है वो फराहम की है। तो अब शो को आगे बढ़ाते चलते हैं, तो बताइए कि नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है। जी जनाब, वैसे तो आप कह तो बिल्कुल सही नहीं, आपने मुझसे सवाल किया कि आगे क्या होना है। वैसे तो हमारा शो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, लेकिन कई ऐसे वाकयात मुल्क में हमारे रूनमा हो रहे हैं कि जो बहुत ही अफसोसनाक हैं, तो हम उनको तो डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक बड़े मज़े की बात मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि जनाब, जैसे कि हमारा जो हर साल PSL होता है, पाकिस्तान सुपर लीग, तो वो आपको जैसे मालूमात हैं अक्सर के इसके मैचेस जो थे, आखिरी के जो 4 मैचेस थे वो पोस्टपोन हो गए थे ड्यू टू कोविड-19। तो अब वो स्केड्यूल कर दिए गए हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कब कब स्केड्यूल हुए हैं। 14 नवंबर को 2 मैचेस हैं हमारे, एक हमारा होगा सेमीफाइनल और एलिमिनेटर्स राउंड 1 और एक है मैच एलिमिनेटर मैच है जो कि है 15 नवंबर को, और फाइनल जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा 17 नवंबर को। अच्छा, इस PSL से अक्सर मुझे याद आया कि आज से 2 साल पहले, पिछले साल आई थिंक, हाँ पिछले साल 2 साल नहीं 1 साल पहले हम लोग भी मैच देखने गए थे। आपको याद है हमने मैच देखा था क्वेटा वर्सेस पेशावर जलमी का, तो कितना मजा आया था ना। वैसे मज़ा तो आया था लेकिन मैं नहीं गई थी आप तो गए थे और आप लोगों ने काफी एंजॉय किया था। आप लोगों की भाई मैंने तो पूरा मैदान ही लूटा हुआ था, हर कोई मैच से ज्यादा मुझे देख रहा था और मेरी वीडियोस बना रहा था। मैं तो खूब एंजॉय कर रहा था, फुल शोर शराबा और चीखम चिल्ली और क्या क्या नहीं हम लोगों ने किया, खाया पिया, खूब बड़ा मजे किए। तो घर पे बैठ के देखना और क्या कहते हैं मैदान में जाके देखना बात ही कुछ अलग होती है। एनवायरनमेंट और एक एटमॉस्फेयर का मजा ही अलग होता है, और साथ में जब मजेदार से हमारे अच्छे से प्यारे से दोस्त हो साथ, तो मजा दुबाला हो जाता है। क्या कहती हैं? मैं भी यही कहने वाली थी कि जो है जब हम एक तो सब साथ होते हैं और फिर जो है वो घर से बाहर होते हैं, तो एक जो भी चीज़ होती है उसको एंजॉय करने का एक अलग मज़ा होता है। और जब जहाँ आप होते हैं साथ, तो फिर तो वो जगह तो बंदा एंजॉय कर सकता है, क्योंकि हमारा जो शो है उसको हम लोग इतना एंजॉय करते हैं, वो हम आपकी वजह से एंजॉय करते हैं। और जो है वो जहाँ तक कहीं जाने की बात है तो वो भी आपकी वजह से एंजॉय होता है, और काफ़ी आप लोगों ने एंजॉय किया था। लेकिन मेरी अभी तो ख्वाहिश है कि मैं लाइव जो है वो मैच देख सकूँ, भले एक हो, मगर देखना मुझे ज़रूरी है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ, लेकिन उस टाइम तो मैं नहीं जा सकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मुझे नेक्स्ट टाइम कोई चांस मिले, कोई मौका मिले, तो मैं ज़रूर जाऊँ। तो मैं काम करता हूँ ना, मैंने उस वक्त वहाँ की एक वीडियो बनाई थी, तो मैं वो शेयर कर देता हूँ, आप वो देख लें, आप लाइव समझ लें, लाइव वीडियो देख लें कि कैसा एटमॉस्फेयर होता है। उसका कोई मजा नहीं है। वो मैंने पहले भी देखी थी, आपने शेयर की थी मुझसे, तो उस टाइम भी मैंने आप लोग को एंजॉय करता हुआ देखा था, तो मुझे बहुत मजा आया था। लेकिन जो वहाँ भी आपने कहा ना कि देखने में और वहाँ जाके जो है वो एंजॉय करने में एक अलग मजा है, तो वो चीज चाहती हूँ मैं। चलो सही है, ये बात भी सही है। अच्छा, अभी जैसे कि आपने बोला कि आपके होते वक्त हमें एंजॉय हुआ था, तो मैंने एक चीज नोट की है कि जो भी फ्रेंड सर्कल होता है, जो भी दोस्तों का ग्रुप होता है, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है कि जो ग्रुप की पूरी जान होता है। अगर बेशक वो अपनी तरफ से कोई पैसे से खर्च नहीं करता, इंतहाई कंजूस होता है मेरे जैसा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसके बगैर कोई गैदरिंग हो सके। लोग या दोस्त मुख्तलिफ कहते हैं कि भाई तुम ज़रूर आना, बेशक तुम हम तुम्हारा खर्चा कर लेंगे, लेकिन तुम आना ज़रूर, क्योंकि वो जानते हैं कि कंपनी की अहमियत कितनी होती है। तो इसलिए हमने अपने शो का नाम भी कंपनी रखा हुआ है, और कंपनी से याद आ गया कि आज हमारी एक जो कंपनी की डायरेक्टर है हमारी, तो वो गायब है ना, इरम हमारे। जी बिल्कुल, वो गायब है। वो चाहती थी कि वो शो कर सके, लेकिन कुछ कनेक्टिविटी की वजह से वो नहीं आ सकी हमारे साथ। उनकी पूरी कोशिश थी, लेकिन जिस तरीके से मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है, मगफिरत करे, हम यही कह सकेंगे। हम उनकी मगफिरत के लिए दुआ जरूर करते हैं। वैसे तो मगफिरत मरने के बाद की दुआ की जाती है, लेकिन हम देखें ना, हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग है। हम हर वक्त कहते हैं जी बस मरने के बाद, भाई क्यों हम लोग फिर अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी क्यों मांगते हैं? जिंदगी में मांगते हैं ना। तो हमें मगफिरत तो हमें हर वक्त चाहिए भाई, हर मगफिरत हमें अल्लाह ताला से हर वक्त मांगनी चाहिए, चाहे वो मौत के बाद हो, चाहे वो मौत से पहले हो। तो अल्लाह ताला हम सबकी मगफिरत करे। मैं अपने लिए भी कहूंगा कि भाई मेरी भी मगफिरत करे, क्यों नहीं करे। तो हमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अक्सर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही समझ से बाहर हैं। हम एक वर्ड यूज करते हैं कि जी इंतकाल हो गया, हम जैसे किसी के सामने बोलो ना उस बंदे का इंतकाल हो गया, यार खुदा का खौफ करो, कैसी बातें कर रहे हो भाई। इंतकाल का मतलब मुंतकिल होना एक जगह से दूसरी जगह। मिसाल के तौर पे अगर हम अभी स्टूडियो में हैं और थोड़ी देर बाद हम अपने अपने घरों को चले जाते हैं तो हमारा भी इंतकाल हो गया स्टूडियो से। तो हमारे कॉन्सेप्ट समझने के हिसाब से ना, समझने की हद तक बहुत ही बिगड़े हुए हैं। तो हमें इन सब कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त करने की जरूरत है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो है वो हम जो है वो अगर जो बात कर रहे होते हैं ना तो वो सामने वाले ने जो सुना हुआ होता है ना तो वो उसको कहते हैं, वो आपको कहता है कि भाई आप ये बात गलत कह रहे हो, नहीं नहीं ये खुदा का खौफ करो, गलत बात हो गई ये वो। तो अक्सर जो चीजें हम लोगों ने सुनी भी होती है ना अपने बड़ों से या किसी से कि भाई ये बहुत बुरी बात होती है, ऐसा ना करो अल्लाह नाराज हो जाएगा, ऐसे नहीं क्या करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर वही चीज जो है ना एक आगे चल रही होती है, एक चेन टाइप की चल रही होती है। तो हम फिर जब अपनी गैदरिंग में वो बात करते हैं ना तो उसका भी यही रद्द अमल होता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। तो आपस में बैठकर जो है उस चीज को क्लियर कर लेना चाहिए, उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना चाहिए कि नहीं ये चीज अगर हम बच्चे हों तो हमें समझा दी जाए, लेकिन जब बड़े हो जाओ तो आपके पास अक्ल है, आप इस चीज को समझ सकते हो। और मैं तो कहती हूँ कि अगर बच्चे को कोई बड़ा समझा रहा है तो वो भी इस तरीके से समझाए कि वो चीज अगर वो बच्चा दूसरे बच्चे को बता रहा है तो वो सही चीज हो। लेकिन हमारे लोग ना बच्चों को डराने के लिए जो है उनको गलत चीज समझा देते हैं या कहते हैं कि नहीं ये इस चीज से डर जाएंगे। आप उनको बेशक डराओ, लेकिन डराओ भी ऐसे कि वो परेशान ना हो, वो चीज किसी को गलत डिलीवर ना करें। क्योंकि मैं बताऊं बच्चे जो होते हैं ना वो ज्यादा उस चीज को जो है वो आगे पहुंचाते हैं ना कि बड़े। बिल्कुल आपने ऐसा ही सही कहा। यहाँ पे मैं एक बात भी करता हूँ, उसके बाद अपना छोटा सा वाक्य भी शेयर करूंगा कि हम लोग ना अक्सर ज्यादातर जगहों पे बल्कि भेड़ चाल चल रहे होते हैं। भेड़ चाल मतलब होता है कि एक भेड़ किसी सिम्ट में जा रही है तो सारी भेड़ें उसी के पीछे चली जाएंगी, कोई सोचेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, बस उसने ये किया तो मैंने ये किया। इस वजह से मैं वो इसका छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। हमारे वालिद साहब हैं, वो अक्सर एक वाकया सुनाते हैं कि बचपन में वो अक्सर बच्चे सोफे पे बैठ के ना टांगे हिलाते हैं। तो सोफे पे बैठे हुए थे और वो टांगे हिला रहे थे इसी तरीके से। तो उनकी किसी शायद मेरी दादी अम्मा ने या किसी ने उनको बोला कि बेटे टांगे ना हिलाएं, अल्लाह ताला गुनाह देता है। अब वो बात तो गुजर गई, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वो अबू थोड़े बड़े हुए, उनको थोड़ा शऊर आया तो उन्होंने उनसे वो बात कंफर्म की, वजाहत की कि अम्मी मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह ताला इतना बेरहम है कि सिर्फ टांगे लाने पे गुनाह देगा? तो उन्होंने आगे से बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। सुनो उस वक्त हुआ ये था कि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था और आप टांगे हिला के शोर मचा रहे थे, तो मैंने आपको रोकने के लिए इस तरह का जुमला अदा कर दिया। अल्लाह ताला ऐसा बिल्कुल बेरहम नहीं है, वो इतनी छोटी छोटी बातों पे गुनाह नहीं देता। तो देखें हमारे माशरे में कई ऐसी बातें फैली हुई हैं कि जी ये करोगे तो गुनाह मिलेगा, वो करोगे तो गुनाह मिलेगा। हम फिर कैसे कहते हैं अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपनी मखलूक से, तो फिर कैसे वो हमें इतनी छोटी छोटी बातों पे गुनाह दे सकता है? कैसे? मेरा तो ईमान नहीं मानता। और अगर फर्ज कर ले चले 0.5% भी अगर चांस है कि जो गुनाह है, तो अल्लाह ताला ने हर वक्त तौबा के दरवाजे खुले रखे हुए। हम जब चाहे उससे तौबा, उसके हुजूर झुक के तौबा कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी यही है तमाम बड़ों से कि आपसे मेहरबानी है कि कुछ ऐसी बातें ना बच्चों से शेयर किया करें जिनका कोई सर ना कोई पैर हो, और बच्चों से कोशिश किया करें कि ऐसी बातें शेयर हों जो ऑथेंटिक हों, जिनकी बाकायदा दलील मौजूद हो। और बच्चों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी मेहरबानी है कि भाई आप भी अपने बड़ों का कहना माना करें, बिला वजह बहस ना किया करें। किसी ना किसी वजह से कोई बड़ा कोई बात कह रहा होता है, बिल्कुल, ये भी आपने सही कहा, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बहस भी करने लग जाते हैं, सवाल पे सवाल पूछने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, मतलब वो छोटे होते हैं ना, उनका जहन मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो कहते हैं अगर हमें एक चीज से मना किया गया है तो वो क्यों किया गया है, इसकी लॉजिक क्या है, क्यों हमें मना किया जा रहा है, जब तक वो उसकी तह तक नहीं पहुंचते हैं तो वो नहीं चुप होते हैं। तो खैर बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े जो हैं वो तो समझदार हैं और हम उनको तो मतलब अपने बड़ों को और खुद भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि बच्चों को हमें जो है। अच्छा, एक और चीज मैंने शायद नोट की है कि हाँ, जो हमारे बड़े होते हैं ना, अगर बच्चों को कोई चीज समझानी होती है ना तो वो कोई टेक्निक यूज नहीं कर रहे होते, मतलब जो भी चीज उनको जिस तरीके से वो समझा देते हैं। तो बच्चों को हम छोटी छोटी टिप्स दें, टेक्निक्स के हिसाब से उनको समझाएंगे ना तो बच्चों को जो है वो बहुत जल्दी वो चीज समझ आ जाएगी। क्योंकि देखें हम जब छोटे होते थे तो हमें कोई भी चीज जो है ना बगैर खेल कूद की नहीं समझ आती थी। हम जब पढ़ते भी थे तो हमारी टीचर जो होती थी वो हमें खेल कूद में पढ़ाती थी ताकि हम लोग जो है वो खेलें भी और साथ में पढ़ें भी। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए हमें मतलब पेरेंट्स को ये ख्याल रखना चाहिए, हम बड़ों को, कि बच्चों को खेल कूद में अगर हमें कोई उनको बात समझानी है तो वो हम खेल कूद में उनको समझाएं ताकि वो चीज़ भी उनको याद हो जाए, वो समझ आ जाए, वो अपनी प्रैक्टिस में भी इसको रखें। आपने बात बिल्कुल सही कही है और आजकल अक्सर दौर भी यही आ गया है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट के साथ समझाना, कॉन्सेप्ट के साथ सिखाना लाजमी हो गया है। आपसे मैं यहाँ पे एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने एक स्कूल के बारे में सुना है, वो क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर गुड्डू बैराज का चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है ना, तो गुड्डू बैराज का चैप्टर पढ़ाने के लिए वो कोई टेक्स्ट या कोई एक्सरसाइजेज नहीं देंगे। वो क्या करते हैं, बच्चों को गुड्डू बैराज ले जाते हैं और वहाँ जाके बाकायदा प्रैक्टिकली उनको क्लासेस देते हैं कि भाई ये गुड्डू बैराज है। और जो बच्चा प्रैक्टिकली सीख सकता है ना, वो बच्चा टेक्स्ट के जरिए, थ्योरीज के जरिए बिल्कुल भी नहीं सीख सकता जितना, जैसे कि अब मैंने कोई एक चीज की, किसी चीज का प्रैक्टिकल किया होगा ना तो मुझे वो ज्यादा याद रहेगा बजाय इसके कि मैंने कोई थ्योरी याद की हो और लेसन्स याद की हो। प्रैक्टिकली हर चीज याद रहती है बंदों को या बच्चों को। बिल्कुल, और हमारी जो बुक्स हैं शायद उनके अंदर भी जब एक्सरसाइज की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना तो उसमें लिखा होता है कि बाकायदा, जैसे गुड्डू बैराज है ना तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ भी होता है कि आपने बच्चों को जो है ना यहाँ लेकर जाए, वहाँ जो है वो उनको यहाँ की सैर करवाएं कि ये कैसा होता है। तो अक्सर चैप्टर्स ऐसे होते हैं हमारी बुक्स में जिसमें ये सारी चीजें बाकायदा लिखी होती है, लेकिन टीचर्स इसको जो है वो छोड़ देते हैं, भाई कौन जाएगा या क्या कौन करेगा। खैर वो तो एक बात की बात है, तो ये सारी बात है, लेकिन इस तरीके से जो है वो टेक्निक से, छोटी छोटी टिप्स से जो है बच्चे आराम से सीख सकते हैं। क्योंकि हम बड़े जो होते हैं, अक्सर बड़ों को मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जब हमें यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया जाता है तो हम लोग उस लेक्चर को तवज्जो से नहीं सुनते। तो जब वर्कशॉप वगैरह होती है तो हम उनको तवज्जो से नहीं सुनते, हम कहते यार क्या, बस बातें अपनी बातों में, या तो स्टूडेंट्स लग जाते हैं अगर टीचर गौर नहीं करी होती या कुछ भी होता है, या तो नहीं अगर गौर करे तो हम लोग को नींद सी आती। जैसे ही टीचर प्रैक्टिकल का किसी एक्टिविटी का नाम लेती है तो हम फौरन से, हमारा दिमाग जो है वो काम करने लग जाता है, जाग जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि प्रैक्टिकल और एक्टिविटीज होनी चाहिए, लाजमी चीज है ये। अच्छा, मैं भी अपनी बात यही कहूंगा। अच्छा, आज हो ये रहा है कि मैं बात करता हूँ तो आप उसकी तारीफ करती हैं, आप बात करती हैं तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ, तो बड़ा मजे की गपशप चल रही है। मैं अपनी बात भी शेयर करूंगा कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि जब तक मैं मैट्रिक के बाद इंटर फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आपको मालूमात है कि थोड़ा रुझान बच्चों का कम होता है, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश होती थी कि मैं हर किस्म के प्रैक्टिकल जो काम होते हैं ना उसमें पार्टिसिपेट जरूर करूं। जब जैसे कोई डिबेट हो गई है या कोई कंपटीशन है या कोई अगर टीचर सवाल कर रही है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर एक सवाल में पार्टिसिपेट करूं और सबसे पहले करूं। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि जी नहीं, मैं जरा सबसे आखिर में पहले सबकी सुन लूं, फिर मैं जवाब दूंगा या मैं फिर पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश होती थी। अच्छा, एक और चीज कि मेरी ये भी कोशिश होती थी कि मैं क्लास में सबसे फ्रंट पे बैठूं, बिल्कुल। और उससे होता भी ये था कि तवज्जो टीचर की हर वक्त मुझ पे लाजिमी तौर पे रहती थी, तो इसी तरीके से फिर मैं पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छे तरीके से करता था बल्कि। तो ये गुफ्तगू तो बिल्कुल जारी रहेगी, लेकिन हमारे जो शो का वक्त है, अक्सर दामन वक्त थोड़ा सा हमारे पास तंग हो गया है, तो इंशाल्लाह हम अगले शो में भी दोबारा से अपनी जो गैर मौजूद कंपनी मेंबर है उसको भी याद दोबारा करेंगे। इरम से बात चली थी और चलते यहाँ तक पहुँच गई, तो बड़ा मज़ा आया। उम्मीद करूँगा लिसनर्स को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और आया होगा और आएगा आइंदा भी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके हमारे मुतालिक, इस शो के मुतालिक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नई सुबह के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मेरी जानिब से आप अपने दोस्त को, अपने होस्ट को दुआओं में याद रखिएगा, अक्सा को भी दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।